नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। यूपीएससी क्वालीफाई करना हर किसी का सपना होता है और इस सपने को साकार किया है श्रेष्ठ अनुपम जी ने। यूपीएससी में 19वां रैंक लाकर श्रेष्ठ अनुपम जी मूलतः मुंगेर के बरियारपुर के रहने वाले हैं और ये 2002 में इनके बाबूजी दिलीप कुमार जी वो भागलपुर आ गए थे। आज हमारे साथ श्रेष्ठ अनुपम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ख़ासकर जानने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान होता है यूपीएससी क्वालीफाई करना या कितना कठिन होता है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल से ही शुरुआत करेंगे कि कितना आसान काम है यूपीएससी क्वालीफाई करना और ख़ासकर 19वां रैंक लाना। जी, मैं कहूँगा कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत परिश्रम और निरंतरता का खेल है और मैं लगभग 2-3 सालों से इस परीक्षा के तैयारी में जुटा हुआ हूँ और हर पल पर कहीं ना कहीं असफलता, मैं अपने पहले प्रयास में असफल हो गया था और उसके बाद यह दूसरा प्रयास जो था इसमें मैंने अपने परिश्रम को और दुगुना कर दिया और ज़्यादा आत्मबल के साथ अपने परीक्षा के तैयारी में जुटा और कहीं ना कहीं ईश्वर की दया और माता पिता और सभी परिजनों का आशीर्वाद और अपनी इस तैयारी के अपने तैयारी से मैं इस परीक्षा में सफल हो पाया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अभी के दौर में खासकर जो युवा हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर वो क्रिकेट हो, खेल जगत हो या फिर वो फिल्मी दुनिया हो, कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं। प्रयासरत होते हुए असफलताएँ हाथ लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रयास में सफलता ही मिले, वो पीछे लौट जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि असफलता आपको किसी भी मोड़ पर मिल सकती है। देखिए, जीवन सफलता और असफलता का खेल है। यह आवश्यक नहीं कि जब भी आप परिश्रम करें तो आपको सफलता उस क्षण मिले ही मिले, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से परिश्रम करते हैं, अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं और अगर आप सच्चे दिल से कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वह आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलती है। तो मैं जो भी युवा पीढ़ी है उसके लिए यही संदेश दूंगा कि भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे क्रिकेट हो या शिक्षा का और भी कोई दूसरा स्तर हो, अगर आप निरंतर हैं अपने प्रयास में तो कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। 2002 में आपके पापा दिलीप कुमार अमर जी, माता आशा देवी जो है 2002 में भागलपुर आ गए, वो मूल निवासी जो है मुंगेर बरियारपुर के हैं। यहाँ से आपकी पढ़ाई की शुरुआत होती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई का सिलसिला रहा, 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये सिलसिलेवार ढंग से आप बताइए। जी, क्लास 2 में जब मैं आया था भागलपुर में 2002 में, तो उस समय कक्षा 2 में मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करवाया सेंट जोसेफ विद्यालय में और सेंट जोसेफ विद्यालय का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे पूरे तैयारी में भी और 10वीं में भी। फादर का और बाकी भी जितने शिक्षक थे उनका बहुत सपोर्ट रहता था। स्कूल में मैं टॉप करता था और फादर ने हर समय प्रोत्साहित किया मुझे मेरे उपलब्धियों के लिए। उन्हीं का और मेरे माता पिता का आशीर्वाद का यह रिज़ल्ट था कि मैं 10वीं में ऑल इंडिया सेकेंड टॉपर बना था ICSE बोर्ड का। 10वीं के बाद मैंने ITJEE की तैयारी करने का संकल्प लिया और भागलपुर से ही करने का ये संकल्प लिया, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा मन था कि भागलपुर से बहुत कम लोग थे, लोग कोटा चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे तैयारी के लिए, और मेरे पिताजी चाहते थे कि भागलपुर, मेरे पिता माता दोनों ही यह चाहते थे कि भागलपुर का नाम बना रहे, भागलपुर से यह खबर आए कि भागलपुर का कोई जो है वो IIT निकाला है। तो मैंने यहीं से 12वीं और ITJEE की परीक्षा दोनों में सफलता प्राप्त की। साल 2012 था और आप ICSE बोर्ड से 10th में सेकेंड नेशनल टॉपर रहे थे। हाँ जी, वो एक मेरे लिए बहुत प्राइड का क्षण था, मेरे माता पिता, मेरे लिए, सारे परिजनों और स्कूल के सभी शिक्षकों एवं फादर के लिए भी, क्योंकि 10वीं के लिए भी बहुत परिश्रम किया था मैंने। लगभग 1 साल तक पूर्णतः 8-10 घंटे की स्ट्रेटजी वाइज पढ़ाई की थी और वह क्षण एक बहुत गौरव का क्षण था मेरे लिए और उसने आगे के ये जो सफलता है, ये सारी सफलताएँ को उसने प्रेरित भी किया उस क्षण में। आपका नानी घर पीरपैंती जो है भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती क्षेत्र पड़ता है, पीरपैंती बाज़ार, क्या इस उपलब्धि को वहाँ से भी जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पीरपैंती में मेरी मम्मी पीरपैंती से आती हैं और पीरपैंती में मेरे नानी घर को शिक्षा का भवन कहा जाता है, क्योंकि मेरे नाना जी और नानी जी ने मेरे मम्मी, मेरे मामा, मौसी सबके शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, उनका विशेष ध्यान था। और मेरे मामा जी ने 2008 में UPSC की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। वो अभी IRS ऑफिसर हैं, वह कलकत्ता में ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, रामकृष्ण केडिया उनका नाम है, और वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे इस पूरी तैयारी के दौरान।
श्रेष्ठ जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि अभी जो युवा का प्रयासरत हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आप ही की तरह यूपीएससी का, जो अभी लगे पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? वो कैसे तैयारी करें, कौन से किताब का अध्ययन करें, खासकर कोई टिप्स मैं जानना चाहूँगा। जी, मैं कहूँगा कि बेसिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक्स पर ध्यान दें। बेसिक्स अगर आपके मजबूत हो जाएंगे तो यह परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करने में इतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो जो भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये जितने भी आपके जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स हैं, इन पिलर्स को आप स्ट्रांग कीजिए। इनके बेसिक बुक्स को अध्ययन करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए। इसके बाद आप आंसर राइटिंग पे जाइए। ऑप्शनल ऐसा चुनें जिसमें आपको रुचि भी हो और जिसमें कहीं ना कहीं अगर आप लिखने में निपुण हैं तो आप राइटिंग ऑप्शन तरह का ऑप्शनल ले सकते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, या अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या अगर मैथ्स में रुचि है आपको तो आप मैथ्स, फिजिक्स जैसे ऑप्शनल भी ले सकते हैं। तो अपने रुचि को बनाए रखें पूरी तैयारी में, और कहीं ना कहीं परिश्रम और निरंतरता, ये दोनों मूल मंत्र मैं मानता हूँ इस परीक्षा को सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये दोनों मूल मंत्र को अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो आपको सफलता कभी ना कभी अवश्य मिलेगी। श्रेष्ठ अनुपम जी, आपको ढेर सारी बधाई फिर से। आपने परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ, पूरे भागलपुर के साथ, सूबे का भी नाम का जो है रोशन किया, गौरव किया है। हमारे साथ जो है श्रेष्ठ अनुपम जी के पापा जी हैं और इनसे दिलीप कुमार अमर जी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, बहुत खुशी का ये क्षण है और ये हम भी महसूस करते हैं, लेकिन एक पिता के तौर पर श्रेष्ठ अनुपम जी के आप पिता हैं, तो आपके लिए तो और भी बहुत खुशी का ये आज मौका। ये आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि मेरा बेटा जो है मेरा नाम रोशन किया, भागलपुर का नाम रोशन किया, पूरे हमारे खानदान का, नानी साइड हो, दादा साइड हो, सबका, और बिहार का नाम रोशन किया। 19th रैंक ला करके इन्होंने बिहार का गौरव बढ़ाया, इससे बड़ी खुशी हमको नहीं हो सकती है। सर, अनुपम जी पहली बार में असफल हो गए थे, तो फिर क्या आपको विश्वास था कि अनुपम जी एक दिन कामयाब होंगे? यस, हमको विश्वास था, क्योंकि उसमें काबिलियत थी। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, आप गलत रास्ते पर भटक जाइएगा, कुछ नहीं फॉलो कर पाए तो इससे गलत हो गया, इसलिए उनको फिर से गाइड किया गया। उनको वो अपने प्रयासरत था, लेकिन उनको फिर दूसरे प्रयासरत में जो उसने सफलता प्राप्त कर ली। एक बहुत पुरानी कहावत है सर कि पुत के पांव पालने में दिख जाते हैं, क्या ऐसा ही कुछ हुआ? ये इसमें ये काबिलियत थी, शुरू से ही इसमें पढ़ने के प्रति बहुत ललक थी। इसको कोई किताब दे दीजिए, डेढ़ घंटा में बोलता था हम पढ़ के ही पूरा, नॉवल दे दीजिए 2 घंटा बोलता आप खत्म करेंगे तब उठेंगे हम, खाने में ये किताब पढ़ता रहता था। इसको नॉवल का बहुत शौक है, वैरायटी पोएट्री करता है, गाना लिखता है, गाना गाता है, पोएम, इसके पोएम्स बहुत सारी है वो कोरा पर, इसके पोएम्स बहुत सुंदर सुंदर पोएम लिखता है। तो हम लोग को मन प्रफुल्लित होते रहता है कि चलिए भाई कुछ तो है, तो ये दिखता था कि इसमें कुछ काबिलियत है। भगवान के आशीर्वाद से और दादा दादी नाना नानी के आशीर्वाद से इन्होंने ये यूपीएससी सफलता प्राप्त की, इसलिए हम भगवान का, भागलपुर धरती का बहुत बहुत नमन करते हैं कि उन्होंने इसको सफलता की और हम लोग का सर जो है गर्व से ऊँचा कर दिया। बिल्कुल, माता जी हैं, आशा जी हैं। मैम, आज तो खैर खुशी का ठिकाना नहीं है सभी के लिए, लेकिन आपके लिए ज़्यादा। ये आज मेरे लाइफ का बेस्ट डे मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आगे चलकर देश सेवा, बिहार की सेवा, सारे समाज की सेवा करे। मेरा शुरू से यही लक्ष्य रहा है कि मेरा बेटा जो है समाज की सेवा करे, और इसी लक्ष्य के साथ मेरे बेटे ने आज ये सफलता हासिल की है। बिल्कुल सर, जो इनके बाबूजी हैं वो भी एमएससी से ड्यू के स्टूडेंट रहे, एमएससी ऑनर्स हैं, और मैम ड्यू एमए, और मैम जो है मैथ से, आप एमएससी की हुई हैं मैथ से, और तो खैर आज ये क्षण बिल्कुल खुशी का है। इनकी बहन भी हैं जो है अनुपम जी के, इनसे भी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद पहले, और बधाई भी आज आपके भाई ने, आज खासकर रक्षाबंधन का त्यौहार था और इस मौके पर ऐसा उपहार, वाकई में अद्भुत। वही, ये जीवन का मतलब सबसे बेस्ट उपहार जो हो सकता है वो मिला है मुझे, और मतलब काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रहा है। मुझे बहुत भरोसा था कि ये करेगा ही, मुझे भरोसा था कि टॉप 20 में आएगा, और इसने ये करके दिखाया है। अनुपम जी बता रहे थे कि एक कुछ भी जो है बातें होती थी जिंदगी के, तो वो अपनी बहन यानी कि आपसे वो शेयर करते थे, तो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है अनुपम जी को आज यहाँ तक पहुँचाने। हाँ, मतलब हमारे में बहुत ज़्यादा मित्रता का ज़्यादा वो रहा, भाई बहन से ज़्यादा हम लोग बहुत अच्छे मित्र रहे। तो हमारे में कुछ भी परेशानी हुई तो हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते थे, चाहे वो करियर प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या एजुकेशन प्रॉब्लम्स हो, तो उससे दोनों का बहुत मोटिवेशन होता है। और भाई बहन का यही होता है कि वो एक दूसरे को मोटिवेट करें कि वो जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो करें, तो दोनों का इसमें एक दूसरे के बढ़त में बहुत योगदान रहता है। प्रज्ञा प्रियदर्शनी जी, आप खुद एक इंजीनियर हैं, और मैं चाहूँगा कि अभी के समय में जो भी खासकर लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हो, जो कार्यरत हैं, जो
प्रयासरत हैं, खासकर यूपीएससी के लिए या फिर आप जो फील्ड से आती हैं इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, निराशा लगने के बाद वो कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए मन में ख्याल आ जाता है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? मेरा बस ये कहना है कि आप मनोबल बढ़ा के रखिए अपना, और आत्मबल हमेशा रहना चाहिए, हमेशा अपने पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, तो अगर आप एक बार निराश हो रहे हैं तो पीछे जाइए और आकलन कीजिए कि क्या मिस्टेक्स हुआ, और फिर उस पर काम करके आप फिर सफलता प्राप्त कीजिएगा। मगर उससे अगर आप निराश हो जाइए तो फिर आपका मतलब वो मोटिवेशन खत्म हो गया है, तो असफलता को एक मोटिवेशन की तरह लीजिए और फिर आप अपना कमान आगे बढ़ाइए, तो उससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, चलिए अनुपम जी के सभी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए बिना प्रयास का जो है सफलता नहीं मिलता है, लेकिन बात ये भी सही है कि हर बार प्रयास में सफलता मिल ही जाए, तो इसलिए प्रयासरत रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर कदम चूमेगी। और इसका ताज़ा उदाहरण आप अनुपम जी को ले लीजिए, इनका सेकेंड अटैम्प्ट था, पहले प्रयास में ये असफल हो गए थे, दूसरे प्रयास में ये सफल हुए और 19वां रैंक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये उपलब्धि है।